अब आपको सीधा लेकर चलते हैं बिहार, जहां नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। मंत्री तमाम शपथ ले रहे हैं, देखिए। तो एक लंबे इंतजार के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कुल 17 नेता आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मंत्रियों की लिस्ट में कुल 9 बीजेपी के हैं, जबकि 8 जेडीयू के खाते से हैं। और सबसे पहले शाहनवाज हुसैन यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई दिए, और देखिये नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद हैं, और इस वक्त शाहनवाज हुसैन साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शपथ से पहले शाहनवाज ने खुशी भी जताई कि वो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उन्हें बिहार की सेवा करने का मौका मिलेगा। और अब से कुछ ही देर में जो जेडीयू के मंत्री हैं, जो जेडीयू के विधायक हैं, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लंबे अरसे के बाद लंबी बैठकों का दौर चला इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, और आखिरकार आज वो दिन आया जब बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ और शाहनवाज हुसैन मंत्री बन गए हैं। बीजेपी से 9 जबकि जेडीयू से 8 मंत्री शपथ ले रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज का नाम भी लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। करीब 20 साल बाद शाहनवाज हुसैन एक बार फिर से मंत्री बने हैं, और उनका कहना रहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें उनकी जमीन पर काम करने का मौका मिल रहा है। और देखिए इस वक्त नीतीश कुमार से मिलते हुए शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार और शाहनवाज हुसैन दोनों ही इससे पहले अटल सरकार में मंत्री रहे थे, और आज एक बार फिर करीब 20 साल के बाद शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि बिहार के मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जो कार्यक्रम शपथ ग्रहण कर रखा गया है, मैं आज उसमें उपस्थित रहूंगा। और राज्यपाल इस वक्त सभी को शपथ दिलाते हुए, सबसे पहले शाहनवाज हुसैन ने शपथ ली है, और जो जेडीयू के कोटे से जिनका नाम है उनका जो मंत्री पद के आज शपथ ले सकते हैं, उनमें लेसी सिंह, जमा खान, जयंत राज, मदन साहनी, श्रवण कुमार, संजय झा, सुनील कुमार और सुमित सिंह का नाम शामिल है। और ये देखिए जो दूसरे विधायक है वो इस वक्त मैं भारत की प्रभुता हूँ और अखंडता अचूक रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाए अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या कर्तव्यों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। शाहनवाज हुसैन ने पहले शपथ ली और अब श्रवण कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अभी किसे कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा ये कुछ ही दिन में साफ हो जाएगा। और लगातार इन तमाम नामों की चर्चा रही है। जेडीयू की ओर से पहले ही कहा जा रहा था कि श्रवण कुमार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी की ओर से शपथ ली, और उसके बाद श्रवण कुमार ने जेडीयू की ओर से मंत्री पद की शपथ ली है। आज कुल वो विधायक जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे जेडीयू के खाते से, जबकि 9 लोग बीजेपी की ओर से तय माने गए। बीजेपी कोटे से
शाहनवाज हुसैन ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली और करीब 20 साल के बाद वो दूसरी बार मंत्री बने हैं। बीजेपी कोटे की अगर हम बात करें तो शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह, आलोक रंजन झा, प्रमोद कुमार और जनक राम का नाम तय माना जा रहा है पहले से ही, और जिसमें से शाहनवाज हुसैन ने अभी मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद जेडीयू के खाते से श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली और अब से कुछ ही देर में जो तीसरा नाम है वो भी सामने आ जाएगा। कुल 17 मंत्री आज शपथ ले रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और कई दौर की बैठक दिल्ली में हुई, दिल्ली में पूरा मामला आया। सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे, नीतीश कुमार भी पहुंचे, जेपी नड्डा भी गए थे। तमाम जो मीटिंग्स का दौर चला उसके बाद ही नामों पर मुहर लगी और ये पहले से तय माना जा रहा था कि शाहनवाज हुसैन मंत्री बन सकते हैं। चूंकि बिहार की सियासत में शाहनवाज का अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है, वो उनकी जमीन रही है, ऐसे में शाहनवाज का नाम पहले से ही तय माना जा रहा था और शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी के कोटे से मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 17 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है। मैं भारत की सत्ता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन सहनी सब निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। और मदन सहनी ने भी जेडीयू की ओर से अभी मंत्री पद की शपथ ली। मदन सहनी भी लंबे वक्त से जेडीयू के साथ रहे हैं और काफी एक्टिव नेता माने जाते रहे हैं और उनका भी नाम पहले से तय माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि मदन सहनी को भी मंत्री पद से नवाजा जाएगा और आज सबसे पहले बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन, फिर जेडीयू की ओर से श्रवण कुमार और फिर जेडीयू की ही ओर से मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली है। और आज कुल 17 वो विधायक हैं जो मंत्री बनने वाले हैं, 17 मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। तो बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, शाहनवाज बीजेपी की ओर से मंत्री चुने गए और उन्होंने इस पर खुशी जताई, कहा कि मुझे दूसरी बार मौका मिल रहा है मंत्री पद का, जब मैं अपनी जमीन में रहकर अपने लोगों की सेवा कर सकूंगा। और शाहनवाज बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं, वो काफी एक्टिव रहेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मोतिहारी से विधायक हैं प्रमोद कुमार और ये पांचवी बार मोतिहारी से चुनाव जीते हैं। इससे पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। बिहार सरकार में प्रमोद कुमार पहले भी मंत्री रहे हैं और बीजेपी की ओर से अभी मंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। ये मोतिहारी से बीजेपी के विधायक हैं और इससे पहले भी बिहार सरकार में मंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। पांचवी बार प्रमोद कुमार मोतिहारी से विधायक बने हैं और अब तक कुल 4 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। कुल 17 मंत्री आज मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। 17 मंत्री मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। नीतीश सरकार का ये कैबिनेट विस्तार है। काफी लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी कि जल्द ही नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कई दौर की मीटिंग चली, बात नहीं बन रही थी। पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 50-50 वाला बंटवारा हो, लेकिन 9 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं आज मंत्री पद के लिए, जबकि 8 जेडीयू से। तो कुल 17 मंत्री आज पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं और अभी प्रमोद कुमार ने बीजेपी की ओर से मंत्री पद की शपथ ली है। वो मोतिहारी बिहार से विधायक हैं, 5 बार मोतिहारी से जीत चुके हैं और बिहार सरकार में पहले भी मंत्री का पद संभाल चुके हैं और आज एक बार फिर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। हम संजय कुमार झा ईश्वरक शपथ ली छी जब हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सात श्रद्धा निष्ठा रखब। हम भारतक प्रभुता को अखंडता अक्षुण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय एवं पक्षपात अनुराग एवं द्वेष बिना सब प्रकार लोक सभक प्रति संविधान को एक अनुसार न्याय कर। हम संजय कुमार झा ईश्वर का शपथ ली छी जे विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में हमारा विचारक ले आना चाहे अथवा हमारा ज्ञात होकरा कोनो व्यक्ति किंवा व्यक्ति सभक तहिया का अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक सम्यक निर्वहन के लिए एहन करब अभिक्षित हो हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित युवा प्रकट नहीं करूं। तो संजय झा अभी मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बिहार विधान परिषद के ये सदस्य भी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और जो बिहार के मेन रणनीतिकार हैं उनमें से एक ये माने जाते हैं। जेडीयू के रणनीतिकारों में से एक है संजय झा। बेहद करीबी नीतीश कुमार के हैं, इसीलिए पहले से भी इनके नाम का कयास लगाया जा रहा था कि संजय झा भी मंत्री पद से नवाजे जाएंगे। 2015 में जेडीयू से बीजेपी में आए थे और ये बिहार की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, इनका अच्छा वर्चस्व है और संजय झा ने भी मंत्री पद की शपथ ली बीजेपी से 9 जबकि जेडीयू के कोटे से 8 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार का कैबिनेट विस्तार चल रहा है और आपको बता दें कि संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं। बिहार की राजनीति में इनका बहुत वर्चस्व है, काफी नाम है, बेहतर और मजबूत पकड़ है और रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। जब भी बिहार में कोई फैसला लेना होता है तो संजय झा उसमें जरूर शामिल होते हैं, रणनीति बनाते हैं और इनकी सूझबूझ की सभी तारीफ करते हैं और बड़े नेता के तौर पर संजय झा को बिहार में देखा जाता है।
तो बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का यह विस्तार चल रहा है। और आपको बता दें कि जेडीयू के संजय झा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार, संजय झा बेहद करीबी माने जाते हैं, हालांकि उन्होंने अपने रीजनल भाषा में मंत्री पद की शपथ ली है। और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं देसी सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वह कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए बता दें और महामहिम के पद एवं की शपथ है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और श्रद्धा अंतकरण के निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। सम्राट चौधरी को आपने अभी शपथ लेते हुए देखा। बिहार विधान परिषद के मेंबर हैं सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी और कद्दावर नेताओं में से आते हैं। और सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण अभी आपने देखा, 2017 में जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक वक्त में जेडीयू के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी रहे हैं। 1990 के दशक से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, यानी लगभग 3 दशक की राजनीति सम्राट चौधरी की रही है। और 1999 में पहली बार मापतौल मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, जिनका अभी शपथ ग्रहण आपने देखा है। अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं सम्राट चौधरी, यानी एमएलसी हैं।
और सम्राट चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, पद गोपनीयता की शपथ ले ली है। नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा है, कुल 17 मिनिस्टर्स हैं, 17 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण अभी आप लाइव देख पा रहे हैं, जिनमें से अभी आपको सम्राट चौधरी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। शपथ लेने के बाद राज्यपाल की तरफ गए, उसके बाद मंच से पीछे की तरफ गए हैं। अगला नाम तो बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है, 17 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण आप देख रहे हैं। बीजेपी कोटे से 9, जेडीयू कोटे से 8 मंत्री हैं। जेडीयू की लेसी सिंह मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं और बीजेपी के प्रमोद कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये नीरज कुमार सिंह बबलू मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो या मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।